Director photography. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. Director movie सुना है, director सुना है, director जो movie launch करता है वो सुना है. Director photography. Yes, it's now trending. It's a very good topic. यहाँ पे director photography is such a big thing. हर कोई बंदा फोटोग्राफी कर रहा है. हर एक करने का मतलब है डायरेक्शन अलग चीज़ है, फोटोग्राफी का डायरेक्शन बहुत ही अलग चीज़ है. कोई एक अच्छा फ़ोटो खींच तो कोई ऐसी बड़ी रेस्टोरेंट हो, फूड का फोटो हो, प्रोडक्ट फोटो हो, कोई किसी भी तरह फोटोग्राफ, उसका एक आर्ट होता है. वो एक आर्ट का एक डायरेक्टर होता है. वो डायरेक्टर को आर्ट पता होता है कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करना है, कौन सा बैकग्राउंड यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सा कैमरा का सेटिंग होता है, कौन सा कलर ग्रेडिंग करना है, कैसा लाइटिंग करना है, कहाँ से ऊपर से लाना है, नीचे से लाना है, को कैसा टाइप का लाइटिंग, सिनेमेटिक लाइटिंग, ब्यूटी लाइटिंग, फ्लैट लाइटिंग, स्टूडियो लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग, सब कुछ एक दिमाग में रहता है एक फोटोग्राफी डायरेक्टर. तो यही चीज़ एक फोटोग्राफर. नाउ टाइम इज़ अ चेंज है ब्रदर, नाउ टाइम इज़ अ चेंज. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए नए फोटोग्राफी आ चुके हैं और नए सर ऐसे डायरेक्टर भी आ चुके हैं जो वाला क्या फोटो खींचते हैं यार. मैं खुद फोटोग्राफी कितना टाइम से कर रहा हूँ, कितना 5 साल से कर रहा हूँ, 5 साल एक फोटोग्राफी डायरेक्टर के साथ काम किया. ओह माय गॉड, ऐसा काम होता है यार, ऐसा काम होता है. मतलब उस बंदे ने जो कुछ किया है यार, ऐसा सब्जेक्ट डाला, बैकग्राउंड में डाला, ये डाला, वो डाला, स्ट्रक्चर डाला, एयर धुआ, धुआं छोड़ा, ये छोड़ा, वहाँ से लाइटिंग छोड़ी, लाइटिंग पे से धुआं का आकार और बाद में जो फोटो खींचा यार वल्ला क्या जबरदस्त फोटो खींचा. आई विल से आई वॉन्ट थिंक ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ और ये चीज़ पसंद है मुझे. ऐसे मैं वीडियो डायरेक्टर, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, फोटोग्राफी डायरेक्टर, वल्ला क्या खूबसूरत है यार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल, फर्स्ट टॉपिक इज एंगल. एंगल एक फोटोग्राफी डायरेक्टर को एक एंगल पता होता है कि कौन सा फोटो, कौन सी मॉडल का फोटो, कौन सा फूड का फोटो, कौन सी डिश का फोटो, कौन से पिज्जा का फोटो, कौन सा आर्ट का फोटो, कौन सी फोटोग्राफी, कौन सा परफ्यूम का फोटो, ये सब कुछ उसके दिमाग में एक एंगल बैठा हुआ है कि ये परफ्यूम गोल है तो उसको यहाँ से ये एंगल से लेना है, ये स्क्वायर है ये एंगल से लेना है, ये पिज़्ज़ा है उसको ये एंगल से लेना है. पिज़्ज़ा कितने सारे फोटो आपने देखा होगा, अपर टॉपर 45 डिग्री पिज़्ज़ा का फोटो. एक डायरेक्टर जो फोटोग्राफी के एंगल सोच रहा है, वल्लाह क्या खूबसूरत सोच रहा है यार. वो चीज़ करनी है मुझे और उसके लिए मैं ये टॉपिक पर आपसे करूँ. जस्ट आई विल बी वर्किंग ऑन एज ए डायरेक्टर फोटोग्राफी. तब मेरे को पता चला कि ऐसा फोटोग्राफी होती है. वैसे इधर पे इंस्टाग्राम पे इसका लिंक, बट यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ. क्या फोटोग्राफी की ट्रिक होती है, उसकी एक सब्जेक्ट ऐड करना होता है, उस कैसे सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए. दिस माय सेकंड टॉपिक, सब्जेक्ट ऐड. सब्जेक्ट ऐड ये भी एक टॉपिक है. यस, एक फोटोग्राफी के लिए एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे धुआं ऐड करा, फूड की फोटोग्राफी पे थोड़ा बहुत ऐसा मटेरियल है वो पहले से अपने डालते हैं ना. नो डाउट, नो डाउट. अपना बहुत सारे ऐसे इंसान में फोटोग्राफी देखिए, गूगल पे एक डिश रखते हैं, उसका आजू बाजू थोड़ा ऐसा डालते हैं, स्ट्रक्चर डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं और अच्छा सा गुड फोटो करते हैं. ना 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 ना, कुछ और भी ऐड करते हैं. वो क्या ऐड करते हैं, जैसे कि कुछ धुआं ऐड कर लिया, वहाँ से कुछ लाइटिंग ऐड कर लिया, एक पिज़्ज़ा का फोटो, ठीक है, एक पिज़्ज़ा का फोटो, यहाँ पे एपरेचर से रेडियस छोड़ा ऊपर, रेडियस लाइट, रेड लाइट, तो पिज़्ज़ा का बैटो गोल पर रेड लाइट, यहाँ से टेम्परेचर 45 सेल्सियस पे एक लाइटिंग, स्टूडियो लाइटिंग लगाई, यहाँ पे 45 के बदले 65 पे लगाई, तो ब्लू, येलो, रेड. वल्ला क्या फोटो खींचा यार. वो फोटो जैसे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, जैसे कि वो ब्रांड का होता है. वो ज़्यादा तक मेरे को दिखाने की परमिशन नहीं है क्योंकि ब्रांड फीडबैक जैसा प्रॉब्लम कर देगी मेरे को और स्पॉन्सर भी नहीं कर रही है. मैं क्यों दिखाऊँ, स्पॉन्सर करना चाहिए ना मेरे को. मैं उन लोग की फोटोग्राफी बेच रहा हूँ ना, नहीं, मैं एक आर्टिस्ट की कला बेच रहा हूँ, ठीक है. इस वीडियो में फोटोग्राफी नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट की कला बेच रहा हूँ. जैसे कि फोटोग्राफी इज अ डायरेक्टर फोटोग्राफी. हर कोई बंदा कैमरा उठा के बोलता है आई एम फोटोग्राफर, आई एम फोटोग्राफर, आई एम फोटोग्राफर. अच्छा फोटो, बुरा फोटो, कितने रहते. ये चीज होती है एक फोटोग्राफी की आर्ट, एक डायरेक्टर की आर्ट. और उस चीज को वो फोटो ज्यादा तक खींचता भी नहीं है, यू नो जैसे प्रमोशन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, उसके लिए कभी कभी खींचता, मतलब ज्यादातर वो फोटो भी बंदा नहीं खींचता है, जस्ट आर्ट, जस्ट उसको जो दिख रहा है वही वो कैमरा है और वही चीज कैमरे में कैद करता है। जस्ट इज गुड फॉर आर्ट फोटोग्राफी। उसके लिए आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत ज़्यादा फोटो खींचना पड़ेगा। फिर बताइए, वैसे काफ़ी टाइम से मैं इससे फोटो खींचता हूँ, इससे पहले भी मेरे यूट्यूब का वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने आपको बता रहा कि कैसे मैं फोटोग्राफी, तो मतलब बोल रहा ये फोटोग्राफी डायरेक्टर क्या जबरदस्त फोटोग्राफी खींची है, क्या जबरदस्त। आई लव इट क्योंकि जस्ट माई न्यू विजन कि यही चीज मैं एक वीडियो में भी कर सकता हूँ। जैसे आई एम अ वीडियो डायरेक्टर और ये बात चलिए फोटोग्राफी डायरेक्टर है, नो डाउट, अच्छा है, गुड है, मेरे को इंटरेस्ट वीडियो डायरेक्टर में है, तो आई एम जस्ट अप्लाई फॉर दिस ट्रिक एंड ट्रिप्स फॉर एज अ वीडियो डायरेक्टर। अगर ऐसा डायरेक्टर करके ऐसा बैकग्राउंड करके म्यूजिक रखा, वो माशाल्लाह मैं करता रहता हूँ ऐसा, और मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज भी और थोड़ा बहुत अच्छा भी हो जाता है। मतलब मैं एक पर्टिकुलर मेरे को वीडियो डायरेक्टर के साथ काम करना था, जो मौका मिले था मेरे को और ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है, और जो चीज़ मेरे को नहीं पता वो चीज़ मेरे को मिल सकती है, थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ा मैं और बेहतर बना सकता हूँ। जैसे कि फोटोग्राफी यू थिंक अबाउट इट, इस चीज़ का भी काम हो रहा है और माशाल्लाह तगड़ा हो रहा है, तगड़ा बंदा कमा रहा है ये फोटोग्राफी डायरेक्टर में। तो ये नई ट्रिक है कि जो अगर जो आपको इफ इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, अगर जो फोटोग्राफी इंटरेस्टेड है, इस टाइप के एक आर्ट फोटोग्राफी होती है जो डायरेक्टर फोटोग्राफी होती है, वो थिंक ऐसा हर फोटोग्राफर ऐसा कर लेता है, नो डाउट हर फोटोग्राफर कर लेता है, हर फोटोग्राफर ऐसा सब्जेक्ट वब्जेक्ट निकाल के फोटो खींचता है तब उसको अच्छा लगेगा। मतलब मैं अगर जो डायरेक्टर फोटोग्राफी वो वही फोटो खींचा सेम, उसकी ट्रिक्स है माशाल्लाह, पूरा चेंज गेम चेंज। अपने जो चीज़ नहीं देखी हुई तब तक वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। मेरी फोटोग्राफी मैंने बहुत ही अच्छी खींचा और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, मगर एक फोटोग्राफी डायरेक्टर ने वही फोटो थोड़ा बहुत चेंजेस करके दिया, वही इंस्टॉलमेंट, वही कैमरा, वही सब लाइटिंग थोड़ी चेंज करी, ये चेंज करी और फोटो चेंज। मैं बोला ये चीज सही है, ये चीज सही है और ये चीज का नॉलेज लेना है मेरे को और ये चीज करना है, तो यू हैव गुड फोटोग्राफी, गुड डायरेक्टर। या सीरियसली सीख सकते हो आप, नो डाउट। तो जस्ट राइट यू थिंक अबाउट फोटोग्राफी डायरेक्टर, नाउ ट्राइट, नाउ सर्च एंड ज्यादा सीखो, ज्यादा बढ़ो, ज्यादा एक्सपीरियंस लो एंड वल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, सच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मिलते इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।